नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर नौकरी जाने के डर से अब कंगना रनौत के पास गिड़गिड़ा रही है और माफ़ी मांग रही है। कुलविंदर कौर अब माफ़ी मांग रही है, जहां कंगना को थप्पड़ मारा वहां ड्यूटी नहीं थी। CISF के एक शीर्ष अधिकारी विनय काजला का कहना है कि कुलविंदर कौर अब माफ़ी मांग रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर मैंने खुद कंगना रनौत से मुलाकात की है और सुरक्षा चूक पर माफ़ी भी मांगी। आपको बताते चले, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को एक CISF महिला कर्मी ने थप्पड़ जड़ दिया था। इस मामले की देश भर में चर्चा है और कुलविंदर कौर को इस हरकत के लिए हिरासत में लिया गया था। अब CISF के शीर्ष अधिकारी विनय काजला का कहना है कि कुलविंदर कौर अब माफ़ी मांग रही है। CISF के DIG नॉर्थ एयरपोर्ट्स विनय काजला ने कहा कि मैं घटना के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचा, जहां मामले की पूरी जानकारी ली। इसके बाद CISF अधिकारियों के साथ मीटिंग की और एयरपोर्ट की सुरक्षा की समीक्षा की। फिलहाल मोहाली पुलिस ने कुलविंदर कौर के खिलाफ सेक्शन 323 और 341 में केस दर्ज किया है। ये दोनों ही जमानती धाराएं हैं। विनय काजला ने ट्रिब्यून से बातचीत में माना कि सुरक्षा में चूक हुई है और उनकी जांच शुरू की गई है। काजला ने कहा कि इस मामले में आरोपी कुलविंदर कौर अब माफ़ी मांग रही है। काजला ने कहा कि मैंने खुद कंगना रनौत से दिल्ली में मुलाकात की है। इसके अलावा कंगना रनौत से मैंने घटना को लेकर माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान कंगना पूछ रही थी कि आखिर कुलविंदर कौर कौन है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उसने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश क्यों की। कुलविंदर कौर को अब तक अरेस्ट नहीं किया गया है, उनके खिलाफ अभी जाँच जारी है और औपचारिक शिकायत दर्ज कर ली गई है। DIG ने कहा कि यहाँ उनके लिए भावनात्मक मामला था, उसने भावुकता में आकर इस घटना को अंजाम दिया था, अब इस पर खेद जताया है और माफ़ी मांगी है। DIG ने कहा कि कुलविंदर के पति भी CISF में ही नौकरी करते हैं और यहाँ डॉग एक्वाड में तैनात है। काजला ने कहा कि यह बात सही है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक